अरे दोस्तों यार भाई देखो, आज हम करेंगे भविष्यवाणी, इसीलिए हमने तुमको बुलाया है क्योंकि तुम ही वो खिलाड़ी हो जो कभी नहीं गए आनी बाणी। इसीलिए हम एक एक करके सबकी भविष्यवाणी करेंगे और बताएंगे तुम लोग भविष्य में कैसा प्रदर्शन करेंगे, ठीक है? अरे फिर तो बहुत बढ़िया है धोनी भैया। अरे सबसे पहले तुम मेरी ही भविष्यवाणी कर दो। देखो भाई तुम मेरे ही भविष्य के बारे में बताओ, मैं कैसा क्या काट करूंगा कि नहीं करूंगा। देखो भाई हमको पहले तो 100 सेंचुरी वाला सचिन सर का रिकॉर्ड तोड़ना है। अगर तुम हमारी भविष्यवाणी में बता दोगे ना तो कसम से यार भाई लड्डू खिलाऊंगा लड्डू। अरे विराट यार भाई काय के लिए ऊटपटांग बात कर रहे हो? देखो भैया नाम है हमारा महेंद्र सिंह धोनी, रिश्वत नहीं लेते हैं और जो भी बताते हैं फ्री में बताते हैं, रिश्वत लेके ज्ञान नहीं देते हैं, समझे? अरे ठीक है धोनी भाई, यार भैया गलती हो गई हमसे, माफ कर दो। लेकिन यार भाई तुम सबसे पहले हमारे बारे में ही बताओ, हम भविष्य में क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। अरे बता रहे हैं विराट बता रहे हैं। अबे हमारी किताब कहती है नाम है तुम्हारा विराट और भविष्य में तुम पलट दोगे अच्छी अच्छी टीमों की खाट। अबे टीम इंडिया में रहेगा तुम्हारा ही जलवा और जब तक तुम टीम इंडिया में रहोगे तब तक तुम करते रहोगे विरोधी टीमों का हलवा। अरे वाह भाई वाह। अरे विराट भैया यार भाई तुम तो भविष्यवाणी में तगड़े ही निकल गए। अबे तुम तो कमाल करोगे भैया भविष्य में। अबे हम तो ये कहते हमको अपना चेला बना लो, जब तुम रिटायरमेंट लोगे तो फिर हम कमाल करने लग जाएंगे, क्योंकि नाम है हमारा ऋषभ पंत और अभी किस्मत खराब है तो आउट हो जाते हैं तुरंत। अरे रहने दो पंत यार भाई, तुम्हें चेला बनाने से तो हम ऐसे ही बढ़िया है। अबे तुम हमारा नाम भी बेइज्जती में डुबाओगे। अबे तुम खिलाड़ी नहीं तुम हो खिलाड़ा और हमको लगते हो तुम सबसे बड़े कबाड़ा। अबे तुम्हारे जैसी गंदी बल्लेबाजी कोई नहीं करता टीम इंडिया में। अबे एकदम खटारा बल्लेबाज हो खटारा। अबे पंत यार भाई हो गई तसल्ली? अबे बन गई गुरु चेला? देखो भाई हम कह रहे हैं शांति से बैठ लो, अभी हम भविष्यवाणी कर रहे हैं सबकी। देखो नाम है तुम्हारा ऋषभ पंत, आउट हो जाते हो आजकल तुरंत, लेकिन यार भैया हमारी किताब कह रही है भविष्य में तुम अच्छा क्रिकेट खेलोगे और अभी आउट हो रहे हो, आगे भी आउट होते रहोगे लेकिन टीम इंडिया में अपनी जगह बना लोगे। अबे धोनी भैया यार भाई इसका क्या मतलब हुआ? अबे आउट होते रहेंगे तो टीम इंडिया में कैसे जगह मिल जाएगी? देखो भैया ये टीम इंडिया में घुसे पड़े हैं, जब भी तो हमको मौका नहीं मिल रहा है। अरे हमारे बारे में तुम बताओ कुछ, देख के देखो हमको मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अरे बताओ कब से बाहर बैठे हैं, कभी मौका मिलता है तो टेस्ट में मौका मिलता है। अबे हमसे भैया ये देखा नजारा अपने बारे में। अरे शांति पकड़ो सुमन गिल यार भाई, हम दर्द समझ सकते हैं तुम्हारा, लेकिन यार भाई हम कुछ कर नहीं सकते, हम तो बस भविष्यवाणी कर सकते हैं। अबे नाम है तुम्हारा सुमन गिल, क्रिकेट बहुत अच्छा खेलते हो और जब तुम फॉरम में होते हो तो सामने वाली टीम को धुआंधार पेलते हो, लेकिन यार भैया हमारी किताब कहती है तुम खिलाड़ी नहीं, आगे चल के बनोगे टीम इंडिया का स्पेशल खिलाड़ा जो जरूरत पड़ने पर तोड़ोगे विरोधी गेंदबाजों का पिछवाड़ा, समझे? अरे वाह भाई वाह। अरे सुमन गिल यार भाई तुम तो कमाल करने वाले हो भविष्य में। देखो भाई हमको भी अपने साथ लपेट लेना, कभी तुम्हें मौका मिले तो हमको भी मौका मिलता रहे। अरे हमको भी कम मौके मिलते हैं यार, जब रविंद्र जडेजा भैया जब खेलते हैं तो हमको मौके नहीं मिलते, इसीलिए तुम भी हमको अपने साथ लपेट लेना तो तुम्हारे साथ साथ हमको भी मौके मिलते रहेंगे, ठीक है? अरे पटेल यार भाई काय के लिए चिंता कर रहे हो, तुम्हारे लिए तो खजाना छिपा है हमारी किताब में। अबे हमारी किताब कहती है नाम है तुम्हारा अक्षर पटेल और तुम्हारे आगे अच्छे अच्छे हो जाते हैं फेल, लेकिन यार भैया अभी तक तुमको टीम इंडिया में उतने मौके मिले नहीं हैं और आगे चलकर भी उतने मौके तुमको नहीं मिलेंगे और तुम ऐसे ही अंदर बाहर होते होते संन्यास ले लेंगे। अबे हमारी तो किस्मत फूटी ही निकलती है धोनी भैया, कहीं भी देख लो। अबे हमने 3-4 साधु बाबा को दिखाई तब भी हमारी किस्मत में यही निकला, अंदर बाहर होते रहेंगे और संन्यास ले लेंगे। अबे ऐसे कोई क्रिकेटर होते हैं? देखो भाई हम क्रिकेटर हैं, अब क्या किस्मत है हमारी, अंदर बाहर ले लिया संन्यास। अबे अब जो है भैया वो हमने बता दिया, पटेल यार भाई अब हम क्या कर सकते हैं? देखो अब हम बताएंगे श्रेयस अय्यर का भविष्य। अबे नाम है इसका श्रेयस अय्यर, बल्लेबाजी करता है डाल के छठवा गियर और हमको लगता है पांड्या के बाद या फिर पांड्या से पहले टीम इंडिया का कप्तान बन सकता है, क्योंकि ये खिलाड़ी नहीं ये है टीम इंडिया का स्पेशल खिलाड़ा जो विरोधी टीमों का हल्के हाथों से तोड़ देता है पिछवाड़ा। अरे वाह भाई वाह। अरे अय्यर यार भाई तुम कप्तान बन सकते हो भैया, चांस है तुम्हारे। अरे हमको लगता है तुम कप्तान बनोगे तो हमको तो तुम्हारे साथ ही रहना चाहिए। देखो भाई जब तुम कप्तान बन जाओगे तो हमको कंटिन्यू मौके मिलने लग जाएंगे टीम इंडिया में। अरे धोनी भाई यार भैया ये कप्तान बनेंगे या फिर पांड्या या फिर राहुल भैया का नंबर आएगा? अरे कुलदीप यार भाई देखो राहुल का तो ऐसा है जब तक चल रहे हैं चल रहे हैं, जिस दिन जाएंगे कहानी खत्म हो जाएगी और
एक बार बाहर हो गए तो दोबारा उनकी टीम इंडिया में वापसी नहीं हो पाएगी, समझे। अरे धोनी भैया, यार भाई अब तुम थोड़ा हमारे बारे में चेक करो। देखो भाई, ये लोग तो कप्तान वाइस कप्तान बनते रहेंगे, लेकिन यार भाई हमारे बारे में देखो। अरे हमको लगता है हम बहुत तेज खेल सकते हैं, लेकिन यार भैया ये टेस्ट के अलावा 20 वनडे में हमको खिलाते ही ना। अबे इनको लगता है हम पूरे 50 ओवर या फिर 20 ओवर अकेले ही खेल जाएंगे। अरे पुजारा, यार भाई देखो हमारी किताब कहती है नाम है तुम्हारा चेतेश्वर पुजारा। और भैया वनडे T20 का अब तुम नाम नहीं लेना दोबारा। अबे वनडे 20 खेलोगे तो फेल हो जाओगे और टेस्ट टीम से भी बाहर हो जाओगे, इसीलिए चुपचाप टेस्ट खेलते रहो और टेस्ट में ही विरोधी टीम को धुआंधार पेलते रहो, ठीक है। अरे पुजारा भाई, यार भैया ये बात तो हमने तुमसे पहले ही कही थी, 20 वनडे में आने की सोचो मत। देखो भाई टेस्ट खेल रहे हो ये तो बढ़िया है, लेकिन 20 और वनडे में खेलना बहुत टेढ़ी खीर है, समझे। देखो हमको पूछ लो, तुम बड़ी मुश्किल से खेलते हैं, लेकिन यार भाई धोनी भाई तुम हमारा ये भी बताना, हम सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे कि नहीं, 100 सेंचुरी वाला। अरे रुक जाओ विराट भैया, यार भाई एक एक बार हो जाने दो, अभी हमारा भी नंबर तो आने दो। अबे हमको एक तो सबसे लास्ट में कर दिया। अबे धोनी भाई, यार भैया तुम हमारे बारे में बताओ, हम कुछ करेंगे कि नहीं करेंगे। अरे कुलदीप, यार भाई तुम कुछ की बात कर रहे हो, तुम बहुत कुछ करोगे और भैया तुम आगे चलकर टीम इंडिया के एक अच्छे स्पिनर बनोगे। और भैया अभी भी तुम टीम इंडिया के हो स्पिनर सबसे अच्छे, जो फाड़ देते हो अच्छे अच्छे विरोधियों के कच्चे, लेकिन यार भाई तुमको टीम में उतने मौके नहीं मिलते। हाँ धोनी भैया, यार भाई ये तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, अबे हमको मौके नहीं मिलते, लेकिन फिर भी हम गेंदबाजी बढ़िया करते हैं। अबे हम अकेले ही इतनी खतरनाक गेंदबाजी कर सकते हैं, टीम इंडिया को जिता दें, लेकिन यार भाई ये लोग हमको मौके नहीं देते। पता नहीं ये हमको हल्का पुल्का गेंदबाज समझते हैं, क्या सीन है हमारे साथ। लेकिन यार भाई कोई बात नहीं, किस्मत साथ दे रही है अपनी, मौके नहीं मिले तो क्या हुआ, एक दो मैच में मौका मिलता है उसी में तहलका मचा देते हैं। अरे कुलदीप, यार भाई बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अबे तुम इसी तरीके से तहलका मचाते रहो और अपने नाम का हंगामा करते रहो। अरे विराट, यार भाई आप पूछो, तुम क्या पूछ रहे थे। अरे धोनी भैया, यार भाई हम ये कह रहे थे, हमको ये बताओ हम सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे कि नहीं। देखो भाई सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड हम तोड़ने की सोच रहे हैं, उनने 100 शतक बनाए, हम सोच रहे हैं हम 200 शतक बनाए। अरे विराट, यार भाई काय के लिए मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल रहे हो। अरे मान लिया यार भाई 100 शतक तक तो ठीक है, लेकिन यार तुम 200 शतक की कह रहे हो, अरे 200 शतक लगाते लगाते बुड्ढे हो जाओगे, समझे। अरे धोनी भैया, यार भाई देखो ये 200 शतक तो नहीं लगा पाएंगे, लेकिन यार भाई ये तो बताओ ये सचिन सर का रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे कि नहीं। अरे हमको लगता है ये सचिन सर का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाएंगे। अरे बताओ 3-4 साल बाद 1-2 सेंचुरी लगा पाते हैं, ऐसा ही चलता रहेगा तो कैसे तोड़ पाएंगे सचिन सर का रिकॉर्ड। अरे अय्यर, यार भाई तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। अरे कोहली, यार भाई तुम 3-4 साल बाद ऐसे ही सेंचुरी लगाओगे तो फिर तुम रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाओगे, लेकिन हम एक बात बताए दे, हमारी किताब कहती है फॉर्म में आ गया है विराट कोहली, जो मैदान में चलाता है चौके और छक्कों की गोली, इसीलिए हमको लगता है इस बार तुम रिकॉर्ड तोड़ दोगे और टीम इंडिया में एक अच्छा इतिहास छोड़ दोगे। अरे वाह भाई वाह। अरे धोनी भाई, यार भैया ऐसा हो जाए विराट के नाम का एक इतिहास बन जाए तो कसम से यार भाई मजा ही आ जाए। अरे दोस्तों, यार भाई तुम ही बताओ धोनी भैया सही कह रहे हैं या फिर मजे ले रहे हैं, कमेंट में बताना, और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर करना भूल मत जाना, ठीक है।